हेलो गाइज, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के अध्याय में हम लोग सीखेंगे, तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, तो आगे के प्रोसेस मैं बताता हूं। तो आज कंप्यूटर फंडामेंटल में अध्याय में हम लोग बहुत चीज़ सीख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना नहीं भूलें। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आज हम लोग सीखेंगे इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि कोई भी बाहर की चीज़ हम कंप्यूटर में इन करेंगे तो कौन कौन सा पार्ट से इन करेंगे, कौन कौन सा डिवाइस से इन करेंगे, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि इनपुट, ठीक ना, द इनपुट डिवाइस आर दोज डिवाइस विच आर यूज एज मीन्स थ्रू विच आर द डाटा इज इंटर्ड इन टू द कंप्यूटर। दे आर लाइक, उसके बाद क्या करें, आइज एंड ईयर कंप्यूटर। द कमांड इनपुट डिवाइस इज फ्लो। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि कंप्यूटर में कुछ, कंप्यूटर का भी एक आँख होता है, एक कान होता है, कंप्यूटर कोई चीज़ से देखता भी है और कंप्यूटर सुनता भी है, ठीक ना। तो कंप्यूटर के क्या आँख होती है, क्या कान होती है, हम लोग आगे इसको देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि इट इज़ ए डिवाइस विच इज यूज इन ट्रांसफरिंग द डाटा ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर सिस्टम, एग्जाम्पल कीबोर्ड माउस स्कैनर etc। कहने का मतलब है दोस्तों कि इनपुट डिवाइस से ही हम लोग कंप्यूटर में कोई भी बाहर की चीज़ अंदर लेके जा सकते हैं, कोई भी चीज़ बाहर की आवाज़ वो सुन के अपने अंदर कंप्यूटर में ले जा सकते हैं, कोई भी बाहर की चीज़ वो देखकर कंप्यूटर के अंदर ले जा सकते हैं। तो इनपुट में क्या क्या चीज़ आता है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में कीबोर्ड माउस स्कैनर etc और बहुत सारे हैं। तो जैसे इनपुट में अगर कोई पूछेगा इनपुट डिवाइस में क्या आते हैं, तो आप बता देगा कि माउस आते हैं, स्कैनर आते हैं, वेब कैमरा आते हैं। तो माउस से भी हम बाहर कंप्यूटर से बाहर ये है, उसके अंदर हम कहीं देखिए माउस के अंदर कहीं भी कंप्यूटर के प्रवेश कर जा रहे हैं। स्कैनर क्या होता है, कोई बाहर के आपको जैसे ये आपको डॉक्यूमेंट है ये आपको अंदर लेके जाना है तो ये स्कैनर से ही आप लेके जा सकते हैं। वेब कैमरा का मतलब होता है कोई भी बाहर का चीज़ पिक्चर खींच के अंदर लेके जा रहा है। कीबोर्ड ही बाहर है, जैसे प्रेस करते हैं तो अंदर कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। डिजिटल कैमरा ये भी आपको बाहर के चीज़ अंदर खींच के लेके जाता है। ब्लूटूथ जो आप कान में लगाते हैं और सुनते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना सारे इनपुट डिवाइस में आते हैं। कोई पूछे इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं, तो ब्लूटूथ, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड, वेब कैमरा, स्कैनर, माउस, ये सारे चीज़ इनपुट डिवाइस में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग को सीखना है अब आउटपुट डिवाइस। तो अब आउटपुट मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ कंप्यूटर का अंदर का चीज़ को आउट करना, जो भी कंप्यूटर का अंदर चीज़ है उसको आउट करना, वो आउटपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि आप वो कंप्यूटर का जो भी आवाज़ सुन रहे हैं वो आउटपुट हो गया। कंप्यूटर के अंदर कोई भी आपको फोटो है, पिक्चर है, उसको आप प्रिंट कर दीजिएगा तो आउटपुट है। तो आउटपुट में कौन कौन सा डिवाइस होते हैं, कौन कौन सा आउटपुट में आते हैं, ये हम लोग का सीखना है, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है आउटपुट डिवाइस, ठीक ना। तो आउटपुट मतलब क्या हो गया, आउटपुट मतलब कौन कौन सा डिवाइस आते हैं, कौन कौन सा मशीन आते हैं, ये हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है कि द डिवाइस विच प्रोड्यूस द ऑफ डाटा कंप्यूटर डाटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। दे आर लिंक माउथ एंड हैंड ऑफ ए कंप्यूटर द कॉमन डिवाइस इन द कैटेगरी आर। अब देखिएगा इनपुट में हम आपको बताए थे कि इनपुट में आपको एक आँख होती है,
एक कान होती है, जिसे कान से वो सुनता है, वो आँख से देखता है, लेकिन आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में इसका क्या होता है, आउटपुट में एक एक हाथ होती है और एक मुंह होती है, मुंह से जैसे बोलता भी है और ये हाथ से कोई चीज़ को, सामान को ये पकड़ता भी है, यानी कि हाथ से। तो कहने का मतलब है, जो अब हम अगर हम ये बताएंगे कि आदमी का इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो कान अगर आप बंद कर देंगे तो आप सुन नहीं सकते हैं, तो सुनेंगे नहीं तो कंप्यूटर तो आपके दिमाग के अंदर नहीं जाएगा। अगर मैं कहूँगा आँख बंद कर दीजिए तो कोई भी चीज़ आप देख नहीं सकते, यानी कि तो उसी प्रकार से कंप्यूटर का भी, अगर कोई पूछेगा कि कंप्यूटर के आपसे कोई पूछ रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, तो जो जैसे कंप्यूटर भी बोलता है, यानी कि स्पीकर जो क्या होता है आउट कर देता है, तो वो क्या हो गया, उसका मुंह आ गया है। तो उसी प्रकार कोई प्रिंट कर दिया तो सब आउटपुट में आता है। तो आउटपुट में क्या क्या चीज़ आ रहे हैं अभी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि देर द डिवाइस विच टेक्स आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम द सीपीयू, एग्जाम्पल मोनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, etc। यानी कि आउटपुट में क्या क्या चीज़ आएगा, मोनिटर आ जाएगा, क्योंकि इसी से आप देख सकते हैं का अंदर का चीज़ ये आउट कर देता है, वो भी इस सब अंदर का चीज़ है, ये आउट करके ये दिखला रहा है। प्रिंटर डोस्मेटिक ये भी प्रिंट कर देता है, अंदर का चीज़ लिखा ही प्रिंट करके आउट करता है, बाहर निकालता है। ये इंकजेट प्रिंटर ये भी बाहर ही निकालता है, ठीक ना। प्रोजेक्टर अंदर का चीज़, वो आपको कभी पर्दा पा फिल्म उलम देखे हो, वो भी अंदर का चीज़ बाहर निकालने का काम करता है। लेजर प्रिंटर ये भी सब आउटपुट में आते हैं। उसके बाद स्पीकर ये भी आउटपुट में आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सा आते हैं, तो स्पीकर ये अंदर का चीज़ बाहर निकाल कर ये बोलता है, तो ये आपको आउटपुट में आएगा। लेजर प्रिंटर अंदर का चीज़ प्रिंट कर देता है, बाहर निकाल देता है, भी आउटपुट में आएगा। प्रोजेक्टर अंदर का चीज़ को कोई भी डाटा रखा है उसको बाहर पर्दा पर वो फिर दिखलाता है, तो भी आउटपुट में आ जाएगा। इंजन प्रिंटर ये भी सब आउटपुट में, ये सब आउटपुट में, तो इतना सारे आउटपुट में आते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कंप्यूटर का हाथ और मुंह कौन सा है, तो आप ये बता दिएगा कि स्पीकर जो होती है वो क्या होते हैं, वो मुंह उसका होते हैं जिससे वो बोलता है, और बाकी सब जितने भी ये सब जितने भी हैं, ठीक है ना, जो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको तो आप देखिए, कोई कोई आपको ये बताएगा कि कंप्यूटर का आँख क्या होती है, तो कंप्यूटर का आँख होती है जिससे वो देखता है। तो कौन चीज़ से वो देखता है, तो स्कैनर से वो देखता है। तो ये आपको इनपुट में आ जाएगा, स्कैनर से वो देख लेता है, ठीक ना, वेब कैमरा से भी देख लेता है, वेब कैमरा आप लगाते हो भी देखता ही है, लेकिन हम लोग स्कैनर से भी देख लेता है, ठीक ना। तो ये सारे चीज़ आपको आएंगे इनपुट में, और ये चीज़ आएगा आउटपुट में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और घंटी को भी दबा दीजिए कि नोटिफिकेशन पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।